वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम वीर, वेलकम टू स्टार्ट लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यहाँ पर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज की न्यूज देखेंगे। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आप लोगों को देने, और इसी के साथ में जो कल पढ़ा था उसका हम लोग रिविजन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये आज का आप लोगों का लेक्चर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि स्टैंडर्ड किताबें पढ़ लेनी चाहिए यार, अपना भी ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, ब्रांडेड जूते होने चाहिए, ब्रांडेड घड़ी होनी चाहिए, फोन एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, ब्रांडेड फोन हो तो बहुत अच्छी बात है, लैपटॉप ब्रांडेड आना चाहिए यार। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में आप लोग बात करें जिसने पिछले कुछ समय में अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है, जिसके चलते मार्केट में उनकी एक अच्छी, वो नहीं कहते हैं कि अच्छी पूछ है, उनको लोग अच्छे से लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, एक ऐसा स्टैंडर्ड एक तैयार करने की कोशिश की जाती है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे लेकर चला जा सके। तो 14th अक्टूबर जो यहां पर है ये बेसिकली इसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये ट्रिब्यूट भी यहां पर पे करता है थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वर्ल्ड वाइड, उनके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये एक्सपर्ट जो है यहां पर ये डेवलप करते हैं यहां पर वॉलेंट्री टेक्निकल एग्रीमेंट, जिसके चलते इंटरनल स्टैंडर्ड यहां पर तैयार किया जाता है। मान लीजिए आप लोगों ने बोला कि यहां पर एक किलो का बांट है, ये एक किलो का बांट अगर आप लोग चाइना में लेकर जाएंगे तो भी एक किलो का ही होना चाहिए, जापान में लेकर जाए तो भी एक किलो का ही होना चाहिए। तो कुछ ऐसा मानक सेट करना ताकि एक किलो का बांट हर जगह एक किलो का ही रहे, ठीक है, और इसका इस तरीके से मानक लेकर चलना है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको एक उदाहरण के तौर पर बात कर सकते हैं। थीम क्या है यहाँ पर, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हमारा प्लैनेट है एक स्टैंडर्ड हम लोग को बनाकर रखना है जिसके बेस पर हम लोग को ये प्रोटेक्ट करना है। तो 14th अक्टूबर जो है यहाँ पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे के बारे में। कैलेमिटी का मतलब होता है एक तरीके से आपदा, यानी कि कोई एक कोई ऐसा डिजास्टर आना जिसको कंट्रोल कर लोगों की जान बचाई जा सके। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि वर्ल्ड में अगर कोई ऐसी कैलेमिटी आती है तो उसको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन का ये डे है। ये जो डे है ये सेकंड वेडनेसडे को देखने को मिलता है अक्टूबर के महीने में, और अब की बार ये जो दिन पड़ रहा है ये 14 अक्टूबर पड़ रहा है, यानी कि 14th अक्टूबर को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके चलते जो डिजास्टर रिस्क है उसको रिडक्शन किया जाएगा। यानी कि अगर कल को कोई महामारी आती है, सूखा पड़ता है, कहीं पर कोई भूकंप आता है या फिर कोई सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तो उस टाइम पर लोगों की जान कम से कम जाए, इस तरीके से आप लोगों को फोकस देकर चलना है। तो इसी के चलते जो थीम भी रखी गई यहां पर बोला गया डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नेंस होगी उस टाइम पर, जो काम करने वाले लोग होंगे जनता को बचाने के लिए, उनका काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर एक तरीके से मेंटेन है ना, तो इसी के लिए गवर्नेंस काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर कहीं कोई बाढ़ आ रही है तो पहले ही लोगों को वहां से निकाल लिया जाए, ठीक है। अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो पहले ही कुछ ना कुछ वाटर की अरेंजमेंट वहां पर कर दी जाए, तो कुछ ऐसा पैटर्न यहां पर फॉलो करके चला जाता है। तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड कैलेमिटी डे, ठीक है। तो कंट्रोल डे के बारे में इसकी बात की गई, तो दो इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है डांस के बारे में। खासकर अगर बात करें गुजरात के बारे में, तो गुजरात में जो गरबा है वो काफी लार्ज स्केल पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो गरबा जो डांस है वो अब की बार कोविड-19 के चलते जो स्ट्रीट में, यानी कि गलियों में जो डांस होता है, ठीक है, तो या फिर कमर्शियल जो या फिर ट्रेडिशनल जो डांस होता है उसको यहां पर अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कोविड-19 के चलते। तो ये जो गरबा डांस फॉर्म है, ठीक है, तो ये ओरिजिनेट हुआ जो ट्रेडिशनल गरबाज हैं जो परफॉर्म करते हैं, ये एक पर्टिकुलर लाइट के चारों ओर यहां पर ये प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, या फिर कोई स्टेचू रहती है गोड की या गोडेस शक्ति की, जिसके चलते उसके चारों ओर इसको एक तरीके से डांस किया जाता है। ये लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल है ऑफ द वर्ल्ड, गरबा याद रखिएगा, गुजरात जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसको ब्रांड किया गया है लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेडिशनल जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 9 डेज हिंदू जो फेस्टिवल नवरात्रि है उस टाइम पर, तो ये रिसेंटली यहां पर इसको भी रोकने की बात की गई है। इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर आप लोगों से कोई बात करे क्लासिकल डांस के बारे में, तो क्लासिकल डांस हमारी कंट्री में 8 आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिनके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात करें भरतनाट्यम के बारे में, तो ये आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कथक के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करे तो ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कथकली आप लोगों को केरला में देखने को मिलेगा। कुचिपुड़ी, ठीक है, तो कुचिपुड़ी आप लोगों को आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। उड़ीसी, उड़ीसा में। सतारिया पूछा जाता है कई बार, SATRIYA, तो ये आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को आसाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मणिपुरी डांस आप लोगों को मणिपुर, और मोहिनी अट्टम जो है ये केरला, तो केरला में 2 डांस है, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और सतारिया कई बार पास्ट में पूछा जा चुके हैं।
ये सारे क्लासिकल डांस हैं। क्लासिकल डांस जो होते हैं यहाँ पर संगीत नाटक कला अकादमी के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। बाकी जो भी डांस मैंने आप लोगों को बताया ये सारे माना जाता है कि नाट्य शास्त्र से इनको निकाला गया है, जो कि भारत मुनि जो कि स्कॉलर थे जिसके जिनके द्वारा यहाँ पर ये लिखा गया। ठीक है, तो क्लासिकल डांस नाट्य शास्त्र से निकाले गए यहाँ पर, जो आर्ट जो डांस के आर्ट फॉर्म आप लोग इनको बोल सकते हैं, तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और बाकी आठों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, मैच करने के लिए पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एक रेयर जो फूल है उसके बारे में बात की जाती है जिसका नाम है ब्रह्म कमल। ठीक है, तो ब्रह्म कमल जो है यहाँ पर ये एक अकेला लौता ऐसा फूल है जो माना जाता है कि जब सूर्य छुप जाता है यानी कि सनसेट के बाद में ये आप लोगों को खिलता हुआ नजर आते हैं। ठीक है, और जस्ट वंस ए ईयर यानी कि साल में ये एक बार खिलता है। तो ये जो है बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हिमालयन वाला रीजन है उत्तराखंड में, वहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा। अगर बात करूं आप लोगों से यहाँ पर ब्रह्म कमला के बारे में, तो इसका नाम जो रखा गया है गॉड ब्रह्मा उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। एक तरीके से बोला जाता है कि इनके द्वारा यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, तो उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जरा से घंटे में ही कई यहाँ पर जो इंच है लगभग 8 इंच तक इसका डायमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका ऑफिशियली अगर नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम जिसको आप लोग बोलते हैं, तो सुसरिया ओविलेटा, तो ये इसका ऑफिशियल नेम है जो कि आप लोगों के सामने है। जो फूल है यहाँ पर ये मेंशन है कई जगह, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट है उनमें यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। ब्रह्म कमल जो है यहाँ पर ये किंग ऑफ हिमालय फ्लोर है, स्टेट फूल है कहाँ का, उत्तराखंड का। तिब्बतियन मेडिसिन और आयुर्वेदा जो है बेसिकली उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी के रूप में इसको जाना जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो फूल है इसको ऐसे देखते हैं जैसे कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन का इलाज करने के काम आता है, यानी कि सॉल्यूशन निकालने के काम आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा, ये सारी हम लोगों ने बात की उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट न्यूज ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैंने डिस्कस की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी हमारी कंट्री की, तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज है यहाँ पर जो कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का एंगल आप लोगों को दिखा रही है। हमारी कंट्री में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा बोला गया है उड़ीसा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो लाया गया 2020 का वो गलत है, उड़ीसा असेंबली को उसको वापस लेना चाहिए जो उनके द्वारा पास किया गया है। बिल में बोला गया कि यहाँ पर जो बिल है वो कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि जो अभी हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसके जस्ट विपरीत ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिली थी 1968 में लाई गई थी, फिर 1986 में इसको लाया गया, और अभी रिसेंटली यहाँ पर 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखेगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बिल के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि जो उसकी सीनेट बॉडी थी यानी कि जो हाईएस्ट बॉडी थी यूनिवर्सिटी की उसको रिप्लेस कर दिया गया है स्टेट कंट्रोल सिंडिकेट के द्वारा, यानी कि एक तरीके से अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये स्टेट के कंट्रोल में आ गई है जो कि गलत बात है। यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी देने की बात की गई है जो हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अंदर, तो ये गलत तरीका है। इसी के साथ में नेक्स्ट बोला गया है यहां पर मैनिपुलेटिंग, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट में यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उसके अंदर भी, वहां पर जो नॉमिनीज है उसमें गवर्नमेंट के जो अपॉइंटी है उनको ठूसा जा रहा है एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो नॉन एकेडमिक जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उन्हें कैंडिडेट जो एक तरीके से लिमिटेड कैंडिडेचर फॉर ऑफ देयर कमिटमेंट ऑफ जो एक कमिटी होती है उसमें नॉन एकेडमिक कैंडिडेट के लिए, तो उसमें भी लिमिटेशन यहां पर लगाई जा रही है। तो इसको मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो यहां पर पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसको कंप्लीटली अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है, जो कि एक गलत तरीका है अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो इसकी ये लग रही है, अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं या बीए फर्स्ट ईयर में आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने गलती कर दी, आप लोग किसी और स्ट्रीम में होना चाहिए था, तो वहीं से ही आप लोग चेंज कर सकते हैं, किसी और स्ट्रीम में जा सकते हैं, और आप लोगों को उस पर्टिकुलर ईयर का जो एक साल आप लोगों ने वहां पर यूज किया है अपना जो भी आप लोगों ने नॉलेज लिया है उसका आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा ताकि आप लोग इसको आगे यूज कर सको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक तरीके से आप लोग बात बोल सकते हो, यानी कि आगे से आप लोगों का जो साल नॉर्मली लगता था खराब हो गया अब वो खराब हुआ साल नहीं माना जाएगा, उसका सर्टिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्याज के बारे में। आप लोग सब भी यहाँ पर कोई ना कोई एक तरह सलाद में या फिर सब्जियों में प्याज आप लोगों ने जरूर खाई होगी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। जो ये गुलाबी कलर की, जो रोज कलर की जो आप लोग यहाँ पर ये प्याज देखने को मिलती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो इनको रोज ओनियन या फिर यहाँ पर कृष्णापुरम ओनियन के नाम से भी जाना जाता है। और बात की जा रही है बेंगलोर के बारे में, यानी कि जो कर्नाटका के अंदर है कैपिटल, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी जो रिसेंटली यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, तो ये अलाउ करता है 31st of March जो है ईयर का, इसके चलते अलाउ कर दिया गया एक्सपोर्ट यहाँ पर इनका करना। बेंगलोर रोज ओनियन जो है इनको गुलाबी इरुली के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है लोकल एरिया में, ठीक है। तो जो ओनियन यहाँ पर उगाई जाती हैं, ये बेंगलोर जो के आसपास उगाई जाती हैं, जो कि कर्नाटका के अंदर है। देखिए, कई बार आप लोगों ने आसपास वाले एरिया में कई सारी चीजें देखी होंगी। आप लोगों के एरिया में कौन सी फेमस चीज है, आप लोगों ने अगर आप लोगों के एरिया में आसपास आप लोगों ने कई बार जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में सुना होगा, तो कौन सा फेमस ऐसा एरिया है जहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जो रोज ओनियन है यहाँ पर, ये बात की जा रही है कि नॉट कल्टीवेटेड इन एनी अदर प्लेस इन इंडिया, यानी कि और कहीं ये कल्टीवेट नहीं की जाती है। नॉर्मली आप लोगों को बेंगलुरु वाले एरिया में, कर्नाटका के आसपास वाले एरिया में देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो हायर लेवल ऑफ प्रोटीन, इसी के साथ में फास्फोरस, आयरन और इसी के साथ में यहाँ पर जो कैरोटीन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कई सारी चीजें यहाँ पर इसके अंदर कंटेंट रहती है, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिलती है। इसी के चलते ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको दिया गया 2015 में, यानी कि जो ओनियन रोज है, जो रोज ओनियन है, उसको 2015 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा यानी कि भौगोलिक संकेत का दर्जा उसको दिया गया। तो बेंगलोर रोज ओनियन जो है ग्रोवर एसोसिएशन हेडक्वार्टर जो है इसका यह चिक्कबलापुर, तो ये एक तरीके से पेटेंट राइट है कल्टीवेट करने के लिए इस वैरायटी का। एक तरीके से आप लोगों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो हमारी कंट्री में सबसे पहले दार्जिलिंग की टी को 2004 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर भौगोलिक संकेतक का मतलब ये होता है कि ये जो चीज है किसी पर्टिकुलर एरिया में उगाई जाती है और उस एरिया की स्पेशलिटी है, यानी कि इसके अलावा और कहीं अगर आप लोग इसके नाम पर कोई गलत चीज मिलती है तो उसके ऊपर विश्वास न करें। जैसे कि आप लोगों को बोलो आगरा का पेठा, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे यार आगरा में यहाँ पर पेठा फेमस है, बनारस की साड़ी के बारे में आप लोगों से बात की जाए अगर इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर्टिकुलर एरिया में काफी चीजें फेमस है। तो इस तरीके से अगर उसको जीआई टैग का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका बेसिक पर्पज ये भी होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको जान सके कि हाँ ऐसी कोई चीज इस पर्टिकुलर एरिया की फेमस है। आप लोगों ने देखा हो कभी कि बोलते हैं मथुरा जाओ तो यार मथुरा का पेड़ा लेके आना, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर बेसिकली समझाने की कोशिश की जा रही है, ओके। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उन्होंने हमारी कंट्री में जो बेसिकली वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो हाईवे टनल है उसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है अटल टनल, ठीक है। तो अटल टनल यहाँ पर क्या रोल प्ले करने वाला है, सबसे पहले तो ये काफी बड़ा टूरिस्ट एरिया है जहां पर ये टनल लॉन्च किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा मनाली में कई सारे लोग जो है घूमने जाते हैं, तो मनाली से यहाँ पर लाहौल स्पीति जो वैली है उसको यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अब तक सुना होगा कि 6 महीने यहाँ पर कट रहता था, ये 6 महीने आप लोग यहाँ पर जा पाते थे और 6 महीने यहाँ पर बंद रहता था जो भारी बर्फबारी की वजह से, पर लेकिन अब ये चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो एक टनल बनाया जा रहा है, टनल का मतलब होता है सुरंग, यानी कि एक गुफा बनाई जा रही है जिसमें से होते हुए आप लोग एंट्री कर पाएंगे। तो ये जो टनल यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बोला जा रहा है कि अल्ट्रा मॉडर्न जो स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, पीर पंजाल रेंज और हिमालय जो एल्टीट्यूड लगभग यहां पर 3000 मीटर के करीब आप लोगों को नजर आएगा या फिर 10,000 फीट के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मीन जो सी लेवल से इसकी ऊंचाई बताई जा रही है बेसिकली, ठीक है, जो टनल है वो यहां पर रिड्यूस करेगा लगभग 46 किलोमीटर जो मनाली से लेह तक की जो डिस्टेंस हुआ करती थी लगभग 4 से 5 घंटे की, यहां पर एक तरीके से इसमें कमी देखने को मिलेगी। देखिए पहाड़ी वाला एरिया है, ज्यादा तेज यहां पर चलन जाता है, आराम आराम से चीजें निकल कर जाती है, तो इसीलिए यहां पर ये लगभग जो डिस्टेंस है उतने टाइम में कवर की जाती है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कवर किया जा सकेगा। अटल टनल जो है ये एक तरीके से ये लाइफ लाइन बनने जा रहा है लार्ज पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, खासकर जो कि हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जो न्यू यूनियन टेरिटरी बनी है अभी लद्दाख और लेह वाला रीजन जो है, लेह लद्दाख वाला रीजन, तो उसको यहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ में जो कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छा रीजन आप लोगों को नजर आएगा। तो ये हो गया यहां पर लद्दाख वाला रीजन, लेह वाला रीजन और ये हो गया हिमाचल प्रदेश वाला रीजन। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई ऐसा बने तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोगों को जरूर क्लियर होना चाहिए, ओके।
नेक्स्ट एक छोटी सी और न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया है ये 66 मेगावाट का धोला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर। एम क्या है यहाँ पर, जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और यूज करने के लिए जो वाटर इरिगेशन के लिए जो भी एडजोइन एरिया है उसमें, यानी कि आसानी से यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में जो इरिगेशन की फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकेगी। अच्छा मैं अगर आप लोगों से बोलूं कोई बांध अगर बनाया जाता है तो बांध को मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है। मल्टीपर्पज कैसे हो गया, जैसे उस बांध से जो पानी निकल कर आता है आप लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उस बांध से जो पानी निकल कर आता है आप लोग उससे इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, उस बांध से जो पानी निकल कर आता है उसको अगर इकट्ठा करके आप लोग रखते हैं तो उसमें मछली पालन वगैरह आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे काम आप लोग यहां पर उस पर्टिकुलर बांध से कर सकते हैं। पावर जनरेशन, मछली पालन, इरिगेशन, ये सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हॉर्स शू जो कर्व है तो उसमें ये बेसिकली नजर आएगा जो ब्यास वाला रीजन है। ठीक है, तो इसी के चलते यहां पर जो इसका नाम रखा गया है ये है यहां पर धोला सिद्ध। तो यहां पर जो नाम पड़ा है यहां पर ये डायटी है उनके नाम पर इसका नाम, यानी कि यहां पर जो गोड है भगवान है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यहां पर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का यहां पर काम करेगा। तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, यहां पर टर्बाइन को घुमाएगी और जैसे टर्बाइन घूमेगा तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पज यहां पर देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जनरेटर घरों में, आप लोगों ने घर में जनरेटर देखा होगा ना, तो जिस प्रक्रिया से जनरेटर काम करता है कुछ ऐसे ही प्रक्रिया यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोसेसर है जिसके थ्रू हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों को बताएं, हमारी कंट्री में अपने ही ऊपर निर्भर करने की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से आत्मनिर्भर खासकर डिफेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में बात की जा रही है। तो इसी के बारे में यहां पर न्यूज है, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया कि उसके द्वारा साइन किया गया है नागपुर बेस्ड जो प्राइवेट एंटिटी है वो सप्लाई करेगी 10 लाख जो यूनिट है हमारी कंट्री में इंडिजिनियसली डेवलप, यानी कि इंडिजिनियसली डिजाइन, यानी कि डिजाइन और डेवलप हमारे ही कंट्री में ये किए गए हैं, हमने किसी के इससे रिलेटेड सहायता नहीं ली है। तो इसको मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के नाम से आप लोग जानते हैं, यानी कि MMHG, तो ये इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे जो कि लगभग 400 करोड़ की कॉस्ट यहां पर आने वाली है। तो हमारी कंट्री में जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है टर्मिनल जो बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है जिसको TBRL के नाम से आप लोग जानते हैं, जो डेवलप करती है MMHG। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, MMHG है वो यूज की जा सकती है इन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर जो रिजल्ट करेगी यहां पर डिफेंसिव और ऑफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब ये होता है कि अपने को सेफ करने के लिए यहां पर यूज किया जाता है, ऑफेंसिव का मतलब यहां पर ये होता है कि सामने वाले के ऊपर अटैक किया जाता है। वो नहीं कहते हैं, आप लोगों ने मूवी देखी होगी दंगल, तो दंगल मूवी में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, यहां पर जब उसका कोच बोलता है कि डिफेंस कर, उसका जो उसके पापा ऑडियंस से बैठे रहते हैं यानी कि आमिर खान, वो बोलते हैं कि डिफेंस मत कर अटैक कर, तो ऑफेंस का मतलब होता है एक तरीके से अटैक करना। ठीक है, जब उसका पापा बोलता है कि डिफेंस कर तब वो बोलते हैं अटैक कर, तो इस तरीके से दोनों के बीच में असमंजस रहता है, मतलब एक तरीके से दोनों को लेकर वो टेंशन में रहती है, हालांकि अपने फादर को फॉलो करती है वो जीत जाती है। तो वही यहां पर डिफेंसिव और ऑफेंसिव के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है डिफेंसिव और ऑफेंसिव के तरीके से, यानी कि अपने पर्पज के लिए अपने को सेव करने के लिए यूज किया जा रहा है डिफेंसिव हो गया, और जब अपने अटैक के लिए यूज किया जा रहा है तो इसको ऑफेंसिव आप लोग बोल देते हैं। तो अगर कोई भी बात करें यहां पर हमारी कंट्री में, बेसिकली अगर किसी ऐसी चीजों के बारे में, ब्लास्ट के बारे में, मिसाइल के बारे में, इन सब चीजों से रिलेटेड, तो DRDO न्यूज में देखने को मिलेगी। अगर सैटेलाइट वगैरह के बारे में, यानी कि सिविल पर्पज के लिए यूज करें, तो आप लोगों हमेशा जो है बेसिकली इसरो याद आएगी, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर देना। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में हम लोगों ने जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे के बारे में हम लोगों ने जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की है ये बात की है बेसिकली सबसे पहले गरबा और कई सारे डांस के बारे में हम लोगों ने बात की, एक पर्टिकुलर फूल के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है उड़ीसा के बारे में, उसको बोला जा रहा है कि जो बिल आपने पास किया ये सही नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ में ये बिल जाता है। इसी के साथ में रोज ओनियन के बारे में हम लोगों ने बात की, नेक्स्ट एक अटल टनल के बारे में हम लोगों ने बात की, इसी के साथ में हम लोगों ने एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बात की, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की है जो काफी इंपॉर्टेंट है खासकर हमारी कंट्री की आर्मी से रिलेटेड। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में, इसकी थीम क्या है, गुजरात में अभी यहां पर एक पर्टिकुलर जो स्ट्रीट डांस है उसको COVID-19 के चलते, ठीक है, तो उसको यहां पर अभी इंजॉय करने से मना कर दिया गया ताकि बीमारी ज्यादा न फैले। वर्ल्ड कैलामिटी, तो इसके डे के बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सी थीम है इससे रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं,
तो यहां पर 66 जो मेगावाट है यहां पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, तो ये कहां पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये इसको बोला गया यहां पर, ये है धोला सेत हाइड्रो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यहां पर एक रेयर तरीके का फूल है जिसका नाम आप लोगों को बताना है, जो साल में ओनली एक बार यहां पर खिलता है, वो भी सूरज के छिपने के बाद में। कौन से मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा उड़ीसा को बोला गया सही नहीं कर रहे हो ये बिल पास करके, जो आप लोगों ने यहां पर अभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पास किए हैं। रोज ओनियन को लोकल एरिया में किस नाम से पुकारा जाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक टनल लॉन्च किया गया, उस टनल का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इनका आंसर मैं आप लोग बताऊंगा, ये रिविजन हो जाएगा आप लोगों का जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंडिजिनियसली जो हमारी कंट्री में एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसका नाम था रुद्रम, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए यहां पर दी गई थी, तो किससे इसको टेस्ट फायर किया गया, एयर टू सरफेस जो मिसाइल है रुद्रम, किसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। एक और लैंग्वेज को यहां पर पार्ट बनाया जा रहा है अपना, यानी कि योगी जी जो है उनकी लैंग्वेज, उनका जो स्पीच होगी एक और लैंग्वेज में प्रस्तुत की जाएगी। संस्कृत जो है वो 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है हमारी कंट्री में, कौन से शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया है। अगर बात करें नेक्स्ट यहां पर, तो एयर पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रखिएगा। तो एयर पोल्यूशन कम करने की बात की जा रही है ए बेसिकली एनसीआर वाले रीजन में। भूपेन हजारिका के साथ में भारत रत्न और किन किन को दिया गया था, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है डॉक्टर रोजर पेनरोज के बारे में, जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, कोलकाता बेस एक पर्सनैलिटी है उनके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, आगे उसको एक्सपेरिमेंट को बढ़ाकर, तो इनका नाम क्या है। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप लोगों को यहां पर यह बताना है इसके में क्या यहां पर भरा जाएगा बेसिकली इस खाली जगह में, तो ये आप लोगों को बताना है जिससे कि चीजों को आप लोग आगे लेकर चल सके। ग्लोबल वर्चुअल आर्टिफिशियल समिट जो मिलकर यहां पर एक तरीके से एंजॉय की जा रही है, जिसको रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल एम्पावरमेंट 2020 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। आंसर यहां पर एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बात की सुकोई 30 से यहां पर लॉन्च किया गया, जिसका नाम था रुद्रम, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया, संस्कृत लैंग्वेज यहां पर योगी जी बोल रहे हैं, मेरी स्पीच इसमें भी आनी चाहिए। 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, ओरिजिनली यहां पर 8 लैंग्वेज हुआ करती थी, फिर यहां पर और 8 लैंग्वेज जोड़ कर दी इसमें, अब 22 लैंग्वेज हो गई है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यहां पर बेसिकली लॉन्च किए गए ताकि सुधारा जा सके पोल्यूशन को हमारी कंट्री में। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और इसी के साथ में भूपेन हजारिका, इनको भारत रत्न एक साथ में दिया गया। जो डॉक्टर रोजर पेनरोज हैं, इनको जो नोबेल प्राइज मिला उसका बेस रखा गया था यहां पर अमल कुमार, जिनका नाम है राय चौधरी, ठीक है, अमल कुमार राय चौधरी, ठीक है। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। नीति आयोग के द्वारा यहां पर ऑर्गेनाइज की गई ग्लोबल वर्चुअल समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी तरीके से आप लोगों को लगा है कि ये वीडियो अच्छी नहीं थी, तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। लाइक और शेयर तभी करना है अगर आप लोगों को इसको कुछ फायदा हुआ है, अगर फायदा नहीं हुआ तो ना तो लाइक करना है ना ही शेयर करना है, और डिसलाइक करके जाएगा, पर पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर लगता है कि रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।